हेलो गाइस, मैं आज आपको महाराष्ट्र आंगन और रिक्रूटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा, क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करें कर सकेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकेंगे, एप्लीकेशन शेड्यूल क्या है। मैं आपको इस वीडियो में सब बताने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले देखते हैं पोस्ट कौन सी से। यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र है, आंगनबाड़ी सेविका आया है, हेल्पर है। तीन पोस्ट यहाँ पर दिख रहे हैं अपने को, आंगनबाड़ी सेविका, सुपरवाइज़र और हेल्पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट वाइज अहमदनगर में यहाँ पर 800 है, अमरावती में 470 के आसपास है। यहाँ पर देख सकते हैं अकोला 320। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये अभी चालू नहीं हुई है स्टार्टिंग, जब भी चालू होंगी तो आपको पूरा फॉर्म भर के कैसे अप्लाई करना है, वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और किस पोर्टल पे अप्लाई करना है, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। यहाँ पर देखिए एज लिमिट है 18 टू 38 ईयर्स। रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म और जनरल और ओपन कैटेगरीज मीन्स ओबीसी और ओपन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप 500 रुपीज का चार्ज होगा। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी जो है SC ST PWD उनके लिए 250 रुपये होगा, और एक सर्विसमैन मतलब जो भी एम्प्लॉय होंगे ऑलरेडी उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। आपको सिंपल सा महापरीक्षा GOV.in पे जाना है, पर अभी ये डेट नहीं आई है कि कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो ये डेट आने के बाद में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है और क्या करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में ये बस इतना ही, मैंने आपको जानकारी दी है कि क्राइटेरिया और ये क्या होंगी पोस्ट क्राइटेरिया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसीज कितनी आई, 15,000 वैकेंसीज है एक्सपेक्टेड। मैक्सिमम सीट खाली है, इसके ऊपर ही होंगी, मैक्सिमम आंगनबाड़ी में सीट्स खाली है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो और आप अप्लाई ही कर सकते हैं। ठीक है।